अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और हाँ जी, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मज़ेदार सी शान सिंधी बिरयानी। तो चले चलते हैं, अगर आपने ये मज़ेदार सी बिरयानी बनानी है तो इसकी रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पर पैन में मैंने जो है वो 4 to 5 ऑनियंस लेके मैं ऑनियंस को फ्राई कर रही हूँ, और इनको मैं थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लूँगी। और डार्क ब्राउन करने के बाद मैं ऑनियंस को प्लेट में निकाल के सेपरेट कर लूँगी, और देन हम इसी पैन में इसी ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके हम चिकन को डाल के फ्राई करेंगे। मेरा ऑनियन फ्राई हो चुका है और मैंने उसको प्लेट में सेपरेट कर लिया है, और अब मैं इसमें 2 teaspoonful करके जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, और इसमें मैं 1/2 kg यहाँ पे बोनलेस चिकन लूँगी। और आप जो है वो दूसरा सिंपल चिकन भी ले सकते हैं, बोनलेस नेसेसरी नहीं है इसके लिए। तो इसको मैंने ऑयल में डाला है, थोड़ा सा मैं इसको स्टिर कर रही हूँ यहाँ पे, और जैसे ही इसकी थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जिंजर गार्लिक की जो है वो एक मज़ेदार सी स्मेल आ गई थी और भुन गया था, और अब मैंने इसमें जो है चिकन ऐड की है, और अब मैं चिकन को इसमें अच्छी तरह से भूनूंगी कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और अपना पानी छोड़ दे अच्छी तरह। और जब चिकन अपना पानी अच्छी तरह से छोड़ देगी और भुनना शुरू हो जाएगी, तो तब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चिकन ने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है, और ये भून चुकी है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें शान बिरयानी मसाला डालूंगी, ये शान सिंधी बिरयानी मसाला है, और एक पैकेट में जो है कि मेरे पास पहले से ओपन था, इसमें थोड़ा सा था, तो मैंने अभी दूसरा पैकेट भी ओपन करके उसमें से 1/2 से थोड़ा कम और इसमें ऐड किया है, क्योंकि मैं फुल 1 kg नहीं बना रही, ये 1/2 kg से भी चिकन थोड़ा सा कम है, 450 grams है, तो इसमें मैंने जो है वो थोड़ा सा डाला है मसाला। और आपने बिल्कुल पूरा पैकेट फुल नहीं डालना, क्योंकि अगर आप फुल पैकेट डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी हो जाएगा। अगर आप 4 to 5 glass राइस के बना रहे हैं उसमें आप ये फुल पैकेट ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने चिकन में 3 green chilies डाली हैं, और इसमें 2 to 3 small size के पोटैटोज कट करके डाले हैं। आप भी बड़े बड़े साइज़ में इसको कट करके डाल सकते हैं, और अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 3 tomatoes लिए हैं मैंने, मैं इसको राउंड राउंड कट करके ऊपर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि राउंड में कट करने से टमाटर जल्दी गल जाएंगे, और ये चिकन अब इसी टमाटर के पानी में जो है पक जाएगा। यहाँ पर मैंने जो प्याज फ्राई करके रखी थी वो भी अब मैं चिकन के ऊपर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप चिकन को टमाटर के साथ ही पकने दें, और उसके बाद आप ऑनियन को योगर्ट के साथ ब्लेंड करके ऊपर इसका पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से भी फिर प्याज मुंह में नहीं आती। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप प्याज खाना ऐसे पसंद नहीं करते कि थोड़ी बहुत भी आपके मुँह में आए, तो आप इसको ब्लेंड कर लें, अदरवाइज़ के वैसे भी अभी नरम हो जाएगी चिकन के साथ। और यहाँ पर मैंने चावल का पानी भी बॉयल होने के लिए रख दिया था, इसमें मैंने 2-3 इलायची, 2-3 लौंग, 1 कड़ी पत्ता और 2-3 बादियान के फूल डाले हैं, और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। और इस स्टेप में मैंने यहाँ पे चावल भी इसमें डाल दिए हैं, और ये देखें साथ ही हमारा चिकन कोरमा जो है ये बिल्कुल रेडी है, ऑयल ऊपर आ चुका है, तो बस कोरमा रेडी है। और मैंने फ्लेम टर्न ऑफ कर दिया है, और साथ ही चावल जो है ये बॉयल हो गए थे,
एक कनी छोड़ के मैंने चावल को बॉईल कर लिया है और मैंने इसको छान लिया था। तो अब चलते हैं लेयरिंग की तरफ। मैं ज़्यादातर बिरयानी को लेयरिंग की फॉर्म में बनाती हूँ और अब मैं इसकी लेयर्स लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने राइस की एक लेयर लगाई है, अब मैं इसके ऊपर चिकन कोरमा ऐड करूंगी और साथ ही हम इसके ऊपर धनिया और पुदीना भी कट करके ऐड करते जाएंगे। अगर आप चाहें, आपको बहुत ज़्यादा ऑनियन पसंद है, तो आप अलग से प्याज ब्राउन करके भी इस स्टेप में ऐड कर सकते हैं हर लेयरिंग के साथ, और आलू बुखारा भी मज़ीद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शान सिंधी बिरयानी में आलू बुखारा डला होता है, बट स्टिल अगर आपको इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप सेपरेट लेके उसको भिगोकर इस स्टेप में लेयरिंग में ऐड कर सकते हैं। मैंने दूसरी चावलों की लेयर लगाई है और ऊपर मैं कोरमा डालूंगी और यह मैं कोरमा ऐड कर रही हूँ और साथ ही में मैंने पुदीना जो है वो कट करके डाल दिया था। धनिया मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं था तो पुदीना ही था, तो इसको मिंट को जो है मैंने कट किया है और इसके साथ मैं इसको ऐड कर रही हूँ। और ये मेरी लास्ट लेयर है, एंड पे जितने भी राइस हैं वो मैं अब आगे से ऊपर से डाल दूँगी और येलो कलर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी और मज़ीद थोड़ा सा मैंने मिंट ऐड किया है और फिर हम इसको दम देंगे। यहाँ पर मेरी लेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं इसके ऊपर जो है वो मिंट ऐड करने के बाद यहाँ पर येलो कलर ऐड कर रही हूँ हाफ पार्ट में। तो फुल मैंने इसको येलो नहीं करना, तो मैं चाहती हूँ कि हाफ़ येलो और हाफ वाइट राइस रहे, तो मैंने बिल्कुल इसके हाफ पार्ट में जो है ये येलो कलर ऐसे ही ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप पानी में शामिल करके भी इसको ऐड कर सकते हैं। और अब मैं ये अपने पॉट के ऊपर जो है वो फॉइल पेपर लगा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट का जो है वो दम इसमें आ जाए और अच्छे से स्टीम बन जाए और चावलों को अच्छा सा दम लग जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावलों को दम लग चुका है और अभी मैं आपके सामने ही इसको ओपन करूँगी, और क्योंकि इसमें कट लग गया था तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी आ गया था, अदरवाइज़ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें, यहाँ पर मैं चावलों को मिक्स कर लूँगी ऊपर नीचे और ये बिरयानी बिल्कुल बन के मज़ेदार सी रेडी है। आप इस बिरयानी को रायते और सैलड के साथ एंजॉय कर सकते हैं और धनिया पुदीने का रायता इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ एंड बिलीव मी गाइस, ये बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।